हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 क्वेश्चन ऑफ 21 जुलाई सेकेंड शिफ्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो आपका वीडियो का लैंग्वेज रहेगा, आपका जो कि क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहने वाला है, और वीडियो का लैंग्वेज जो कि आपका बाइलिंगुअल जो कि रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीके जीएस के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, सभी प्रश्न को जो कि आप देखेंगे, जिससे आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो कि पता चल सके, और क्वेश्चन जो कि आपका एक दो रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको जो इसका पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी शिफ्टों का जो कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में वहाँ पर पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेट ड्राइव इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपका बात कर ले, स्ट्रेट ड्राइव जो कि रिलेटेड आपका क्रिकेट से है, क्रिकेट से और क्या क्या रिलेटेड है, तो आपका स्लेजिंग, बॉल आउट, फ्री हिट, बाउंड्री, बॉलिंग, कॉट, चाइनामैन, कवर ड्राइव, क्रीसेस, डक, फॉलो ऑन, गार्डेनिंग, गुगली, गली, हैट्रिक, हेलीकॉप्टर शॉट, हिट विकेट, एलपीडब्ल्यू, लेग ब्रेक, लेग बाय, मैडन ओवर, नो बॉल, ऑफ ब्रेक, ऑन ड्राइव, आउट ओवर, जो कि आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। और भी क्रिकेट से रिलेटेड है आपका मैंडेटरी ओवर, पिच, पॉपिंग क्रीज, रबर, रन डाउन, रन आउट, सिक्सर, सिली पॉइंट, स्क्वायर लेग, स्टोर वॉलिंग, स्ट्रेट ड्राइव, स्टम्प, यॉर्कर, विकेट, पुल लेट कट, फ्लिक, स्निक, थर्ड मैन, डीआरएस, डक वर्थ लेविस, जो कि आपका ये सभी वर्ड जो कि आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदांतम सत्यनारायणा शर्मा इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो आपका कुचिपुड़ी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम द पद्मश्री, द फोर्थ हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन 1917 है, जो कि आपका पद्मश्री से भी जो कि अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप हेल्ड। तो आपका कहाँ किया गया था, तो पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16-17 जनवरी में जो कि आपका किया गया था। वहीं बात कर ले सेकेंड मीटिंग की, तो आपका विशाखापट्टनम में 28 मार्च को किया गया था। थर्ड मीटिंग ऋषिकेश उत्तराखंड में, जो कि आपका फ्रॉम जून 26 टू जून 28 तक चला था। वहीं बात कर ले द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, जो कि आपका थीम था G20 सम्मेलन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द सोमेटी मैस्कॉट मीन। तो आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से जो कि आपका रिलेटेड है, माइरेटेवा जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 है, द टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक मैस्कॉट नेम वाज रिवील्ड एज सोमेटी, प्रनाउंस ए सो मे टी, विच कम्स फ्रॉम सोमेशिनो, ए पॉपुलर चेरी ब्लूज वेराइटी एंड द एडिशनल इकोस द इंग्लिश फ्रेज सो माइटी। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आया था कि आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, जो कि आपका आर्टिकल 25 से 28 तक है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंस, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ज़ैद क्रॉप। तो आपका कम्बर, पम्पकिन, वाइटर गाउड, वाटर मेलन, कुकम्बर, शुगर क्रेन, ग्राउंड नट एंड पल्स आर इंक्लूडेड। तो आप देख लीजिएगा इन सभी में से आपका कौन सा ऑप्शन में दिया होगा, जो भी विच आर इन योर ऑप्शन वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जैद क्रॉप आर समर सीजन क्रॉप्स ग्रोन ऑन इरिगेटेड लैंड ऑन द सब कॉन्टिनेंट, दे ग्रो मेनली इन द शॉर्ट पीरियड बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप,
season from March to June. Example of kharif crop include cotton, rice, maize, millet, soybean, pigeon pea. The kharif season varies by the crop and region, starting in the early May and ending in the early January. वहीं बात कर ले आपका एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, बार्ली, पीज, ओट्स, ग्राम, लीन स्वीट्स, मस्टर्ड, ईटीसी. रबी क्रॉप्स आर सोन इन द मिड नवंबर प्रिफेरेबली आफ्टर द मानसून रेन हार्वेस्टिंग बिगिंस इन द अप्रैल मई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था, विच फेस्टिवल इन सिकिज्म इज सिमिलर टू अ हिंदू फेस्टिवल. तो आपका दिवाली इसका राइट आंसर हो जाएगा. लाइक दिवाली इन हिंदूज्म, गुरु नानक जयंती इज सेलिब्रेटेड इन सिकिज्म. गुरु नानक जयंती इज ऑल्सो नोन एज गुरु पर्वा, प्रकाश पर्व, गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा, विच इज ऑन द फुल मून डे आफ्टर दिवाली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. तो उलर लेक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. उलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. इट इज लोकेटेड इन द बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उलर लेक इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, लोकेटेड द हरामुख माउंटेन रेंज. तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द फेमस म्यूजिशियन पंडित किशन महाराजा एसोसिएटेड. तो आपका तबला जो कि इंस्ट्रूमेंट राइट आंसर हो जाएगा. पंडित किशन महाराजा वॉज एन इंडियन तबला प्लेयर बिलोंगिंग टू द बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. चलिए एक आया था नेक्स्ट आपका आया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू. तो आपका GNP माइनस डिप्रेशिएशन जो कि आपका हो जाएगा, फॉर्मूला पूछा था आपका NNP का. तो आपका GNP माइनस डिप्रेशिएशन आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP इज ऑब्टेन बाय द डिडक्टिंग डिप्रिशिएशन वैल्यू कैपिटल स्टॉक कंजप्शन फ्रॉम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गोड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड जनरली 1 पीरियड. इक्वेशन फॉर्म NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिशिएशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था, विच इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो ग्रुप 5 एलिमेंट की बात कर ले तो आर अ ग्रुप ऑफ द केमिकल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. इट कम्स इन डी सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. दिस ग्रुप इंक्लूड्स द एलिमेंट वेनेडियम, वी, नियोबियम, NB, टेंटालियम, TA एंड ड्यूवेनियम, DB. ऑप्शन की बात कर ले तो आपका हीलियम, एक्सोन, रुबेडियम, इथियम आपका जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ था. तो आप देख सकते हैं कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कलिंगा वार रिलेटेड टू. तो आपका इट वॉज फाउट इन 261 BC बिटवीन मोर एम्पायर अशोका एंड द किंग अनंता पद्मा भन ऑफ कलिंगा. 8 years आफ्टर अशोका कोरोनेशन इन 161 BC कलिंगा वार took place in the king was moved by the carnage in the war and the hence abandoned by the policy of physical domination in the favor of policy of culture conquest. In other words, Veri Ghosh was replaced by Dama Ghosh. Ashoka 13 edict described the Kalinga war in detail. चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, who among the फ्लोइंग इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा यानी प्रोस्ट्रेशन एंड द पबोश किसिंग द एम्पायर फीट इन द कोर्ट. तो ग्यासुद्दीन बलबन आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा. ही वॉज द फर्स्ट सुल्तानेट ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा. ही इंट्रोड्यूस सिजदा प्रोस्ट्रेटेश ओबिशंस एंड पाइवोश एज अ कॉमन फॉर्म ऑफ ओबिशंस टू द किंग. In Sijda, people had to kneel down and touch their head to ground and greet the Sultanate. He was the 9th Sultanate of the Selim dynasty. कौन आपका? Ghiyasuddin Balban. He was bought as a slave by Iltutmish. He introduced the Persian festival of Nowruz to India. चलिए next question एक आपका आया था, which of the following body of the water separated
अंडमान एंड निकोबार, तो आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एट, वही बात कर ले आपका 8 डिग्री चैनल को, तो 8 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड सेपरेट्स द आइसलैंड ऑफ मिनिको एंड मालदीव्स। एंड वही बात कर ले आपका 9 डिग्री, द 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री लेटिट्यूड सेपरेट्स मिनिको आइसलैंड फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्किपेलिगो। वहीं बात कर ले द पाल्क स्ट्रेट की, तो पाल्क स्ट्रेट इज द स्ट्रेट बिटवीन द इंडियन स्टेट ऑफ द तमिलनाडु एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थन प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था, बाई विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो आर्टिकल 141, आर्टिकल 141 स्टेट्स दैट द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 143 इंक्लूड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू द कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 कंटेन्स अ प्रोविजन ऑफ फॉर द appellate's jurisdiction of the Supreme Court in appeals from the High Court in the certain cases. Article 243 gives the provision of the panchayat. तो हमने सभी articles को जो कि आपका discuss कर दिया है, जो भी आपका important है, तो इसका जो right answer आपका article 141 जो कि हो जाएगा। तो आपका ये रहा जो कि 21 जुलाई second shift में आपका जो कि इतने question जीके जीएस से आपका जो कि हमें अभी तक मिल पाए हैं। अभी और क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उन्हें आपका जो कि पीडीएफ में शामिल करने का प्रयास करेंगे। जो आपका इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन आप जाकर वहाँ से हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।